दोस्तों आज की डिबेट में गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप और कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिसमें सुप्रिया सुनेत ने अंजना को बड़ी शिद्दत से धोते हुए बेचारी की बोलती बंद कर दी। गोदी मीडिया जगदीप धनकर की मिमिक्री करने पर देश का अपमान बता रहा है, लेकिन विपक्ष के सांसदों के निलंबन पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा। आगे आप डिबेट में गोदी मीडिया के साथ भाजपा प्रवक्ता की भी शानदार धुलाई देखेंगे। जब भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को छिछोरा कहा तो सुप्रिया सुनेत ने प्रवक्ता महोदय को ऐसा धोया कि बेचारा रोने पर आ गया। दोस्तों डिबेट बहुत शानदार है, अंत तक देखिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। तमाम सवालों पर आज भारी ये सवाल दिखता है कि संसदीय मर्यादा की आप बात करते हैं, दुहाई देते हैं, लोकतंत्र को बचाने की संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा है और राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल एकजुटता पर भी आज पूछा जा रहा है, क्योंकि सामना के जरिए पूछा जा रहा है चेहरा कौन। अब हम लोग नहीं पूछ रहे, अब अभी के गठबंधन के साथ ही पूछ रहे हैं कि मोदी के सामने चेहरा कौन। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। अंजना जी, मैं काफी हतप्रभ हूं, मैं एक्चुअली काफी शॉक्ड हूं, मैं बहुत विस्मय में हूं। आज भारतीय मीडिया के लिए आज एक नई बोगी जो भाजपा की ओर से आ रही है कि अवमानना हो गई संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। उनके लिए ये चिंता का ज्यादा बड़े विषय नहीं है कि सदन के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, और निलंबित क्यों किया गया, क्योंकि वो हंगामा कर रहे थे। आप मेरी एक बात का जवाब दिलवा दीजिए, ये देश का सदन है, ये देश का संसद है, जहां पर चुने हुए परिपक्व सांसद हैं, 15-15, 20-20 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, या ये केजी या नर्सरी का क्लास है जहां पर बच्चों को स्टैंड अप, सिट डाउन, पुट योर हेड डाउन, पुट फिंगर ऑन योर लिप, ये नर्सरी के बच्चे हैं। अगर सदन में सांसदों को जवाब सरकार नहीं देगी, अगर गृह मंत्री सदन में वक्तव्य देने के बजाय टीवी चैनल पर बैठ के जबानी जमा खर्च करेंगे और प्रधानमंत्री अखबार में वक्तव्य देंगे, तो सदन का मतलब क्या है? खत्म करिए इस ढोंग को, लगाइए संसद पर ताला और चलाइए जैसे आप चला रहे हैं। क्योंकि आपको कानून पास ऐसे कराने हैं जिससे ये पुलिस स्टेट बनेगा, क्योंकि आपको सीसी को अपने अंगूठे के नीचे रखना है, क्योंकि आपको टेलीकॉम का नया कानून पास कराना है जिसमें कहीं भी कभी की किसी की टैपिंग हो सकती है, आप ये सब कर रहे हैं। तो मेरे लिए ज्यादा विस्मय का विषय ये है कि 141 लोगों को निलंबित किया गया। और मैं फिर से एक बात पूछती हूँ, ये जो बोगी बड़ी आहत है संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की अवमानना से भाजपा की इस बोगी पर, जब मैं ये जानना चाहती हूँ, बीच में मत बोलिए फिर मैं बोलने नहीं दूंगी, ये बोगी चुप तब क्यों हो जाती है जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति विशुद्ध राजनीति करते हैं, जब वो सिर्फ विपक्ष के सांसदों को निलंबित करते हैं, जब वो विपक्ष के नेताओं पर गंदी गंदी टिप्पणी करते हैं और लोकतंत्र के प्रहरी बनने के बजाय लोकतंत्र के भक्षक बन जाते हैं, तब ये अपने मुंह में दही क्यों जमाते हैं? आज सवाल इस बात का है। लोकतंत्र के मंदिर को एक सड़क छाप जगह बना दिया, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार आज किया है कल्याण बैनर्जी जो एमपी हैं टीएमसी के, क्या वो मर्यादा को तार तार नहीं करता संसद की? अब अभी खड़गे जी को सुन रहा था, अच्छा होता वो माफी मांगते पूरे देश से कि राहुल गांधी ने फिर दिखा दिया कि उनको छिछोरा क्यों कहा जाता है। रुको जरा, सबर करो। पहले सड़क छाप और छिछोरा दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, तो बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने, जब सदन के अंदर कहा था एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। बड़ी छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल किया था दीदी ओ दीदी कहकर। बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब वैधव्य झेलती हुई एक पूर्व अध्यक्षा को, कांग्रेस की विधवा एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। और बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। शब्दों का चयन अगर सामने से ठीक होगा तो जवाब भी पूरा सम्मानजनक मिलेगा। हम गांधी के अनुयायी हैं, एक गाल आगे करेंगे लेकिन चपत दो हम भी मारेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मेरा पहली आपके वक्तव्य, क्योंकि आपने टोका नहीं उनको, तो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी बनती है सड़क छाप और छिछोरे का जवाब देने के लिए।